जय श्री राधे। बहुत सारी बातें हम बड़ों के लिए करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज का एक बहुत ही बड़ी ही विडंबना का विषय है, वो है आज का यूथ, यानी आज के जो यंगस्टर हैं उनको एक सही दिशा प्राप्त होना, एक सही मार्ग प्राप्त होना वो बहुत आवश्यक है। मैं किसी के विचारों में बाधक बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हमारे माइंड पर चलाए गए हैं या तो हमारे बड़ों के द्वारा या हमारे टीचर्स के द्वारा, उनमें कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं बदलाव की आवश्यकता है। जैसे कि आज के समय पर बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर, कंपटीशन का, स्टडी का, आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का बहुत प्रेशर पेरेंट्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स चारों तरफ से डाला जाता है, और उसमें बच्चे की जो मासूमियत होती है वो धीरे 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 उससे दूर होती जाती है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। एक कहावत है, एक सेइंग है जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हमारे बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए और सफल व्यक्ति बन जाइए, और बच्चों को फिर उसी में लगा दिया जाता है। इस बात को बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हैं। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, मेरा मानना है जरूर मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत से भी ज्यादा द लव फॉर योर वर्क इज द की टू सक्सेस। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसको बहुत पेंटिंग करना अच्छा लगता है, उसको कुछ कुछ चीज़ों को देखना अच्छा लगता है, किसी नेचर की चीज़ों को आकृति में बनाना अच्छा लगता है, लेकिन उसको कह दिया गया नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर बनेगा क्योंकि उसको कहा गया है कि उसको इंजीनियर बनना है, बन भी जाएगा और आगे चल के उसको बहुत अच्छी जॉब भी ऑफर हो जाएगी, कहीं इंटरनेशनल भी चला जाएगा, लेकिन क्या उस काम को वो जीवन भर अपने दिल से कर पाएगा? क्या उसको जितना आनंद, जितनी खुशी एक पेंटिंग बनाते समय आती है, क्या उसको उतनी ही खुशी कंप्यूटर चलाते वक्त आएगी? इस संसार में हर फूल को भगवान ने अलग रंग दिए, वैसे ही हर बच्चा एक अलग रंग के साथ पैदा हुआ है, उस रंग को दबने ना दिया जाए, उस बच्चे को उसके मूल स्वरूप में जीना सिखाया जाए। अगर नृत्य पसंद है तो नृत्य में जो उसे आनंद है वो साइंटिस्ट बन करके नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर बन के नहीं मिलेगा। अगर उसको गाने में आनंद है तो उसको गाने का प्रोत्साहन दीजिए, अगर उसको जॉब में आनंद है तो उसको जॉब कराए। कहीं भी किसी भी प्रकार की सफलता चाहिए, सफल व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक है वो अपने काम को प्यार करे। एक बड़े ही महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपको सड़क की सफाई का काम भी दे दिया जाए तो आप उस काम को इतनी शिद्दत से करें, इतनी दिल से करें, इतनी खुशी के साथ करें कि अगर स्वर्ग से कोई देवता भी उतर के उस सड़क से जा रहा हो तो उसके मुख से एक आवाज निकले, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर सफाई। कहने का मतलब, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका इंटरेस्ट उसके साथ कितना है, उस बात पर सफलता निर्भर करती है। इसलिए मेरी आज के जो बच्चे जो अभी स्कूल्स में हैं या कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपसे भी प्रार्थना है वही चुनिए जिस काम को आप दिल से कर सकते हैं। टीवी जब आप देखते हैं, क्या किसी ने आज तक किसी पेरेंट्स ने आज तक ये कहा कि बेटा पढ़ते समय तुझे बहुत टाइम हो गया, चल अब थोड़ा सा टीवी देख ले, या किसी पेरेंट्स ने कहा कि तुझे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, तूने एक घंटे से अपना फ़ोन चेक नहीं किया, चल थोड़ा फ़ोन चेक कर ले? वो हम अपने आप करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। 3 घंटे की मूवी हम देखेंगे तो विदाउट कोई ब्रेक
विदाउट कहीं आए जाए हम आराम से बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। जब किसी भी कार्य में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, तो सफलता अपने आप आपके पास चल कर आएगी। इसलिए आज के बच्चों से मेरी यही प्रार्थना है, जो भी काम करें दिल से करें। और पेरेंट्स से ये प्रार्थना है, जो बच्चे की हृदय की भावना हो, जिसको वो दिल से कर सकता हो, उसमें उसको प्रोत्साहन दे, उसको आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो देश का भविष्य है, जो नौजवान है, जो आज के बच्चे हैं, वो इस देश को आगे लेकर के जाएं अपने टैलेंट से, अपनी कार्य प्रणाली से, अपने पावर से, इस देश को, इस समाज को, इस सोसाइटी को आगे बढ़ें। दोनों का साथ हो, पेरेंट्स का, बच्चों का, तो मिलकर के इस देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, जो भी करें दिल से करें, इंटरेस्ट के साथ करें। आशा है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन देंगे और बच्चे भी इसी कार्य में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को मेरा आराधना।